नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टर्निंग पॉइंट। आई होप आप सब ठीक हैं। कई बार हमने बहुत एफर्ट करके, बहुत मेहनत करके पेपर लिखा होता है, एक रिसर्च आर्टिकल रेडी किया होता है, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि हम ये पेपर कॉन्फ्रेंस में सेंड करें या किसी इंटरनेशनल जर्नल में सेंड करें। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें अपना रिसर्च आर्टिकल कहाँ पे सेंड करना चाहिए, वेदर वी शुड प्रेफर कॉन्फ्रेंस और वी शुड प्रेफर जर्नल। तो इसमें मैं 4 या 5 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी, जिसके बेस पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो हमने ने पेपर लिखा है, ये मुझे कॉन्फ्रेंस में सेंड करना चाहिए या जर्नल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट स्टार्ट द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, अगर आपकी प्रायोरिटी पब्लिकेशन टाइम है, तो आपको अपना पेपर कॉन्फ्रेंस में सेंड करना चाहिए। देर आर न्यूमरस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज लाइक IEEE की कॉन्फ्रेंस, स्प्रिंगर की कॉन्फ्रेंस, देर आर न्यूमरस कॉन्फ्रेंसेज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर बहुत जल्दी पब्लिश हो जाए, क्योंकि देर इज अ स्पेसिफिक टाइम लाइन फॉर कॉन्फ्रेंस, पहले से ही डेट फिक्स होती है, ड्यूरिंग दीज डेट्स कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड, तो आपका पेपर उसके जल्द ही उसके बाद पब्लिश हो जाता है और एक्सेप्ट भी हो जाता है। तो अगर आप पब्लिकेशन टाइम की बात करें, कॉन्फ्रेंस में पब्लिकेशन टाइम कम लगता है एज कम्पेयर टू जर्नल पेपर। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एक्सेप्टेंस रेट। एक्सेप्टेंस रेट की बात करें, तो जो पेपर की एक्सेप्टेंस है वो 90% चांसेस होते हैं कॉन्फ्रेंस में पेपर के एक्सेप्टेंस के, बट जर्नल में कॉन्फ्रेंस आर्टिकल बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं होते। उसका रीजन होता है कि जो अच्छे जर्नल्स हैं वो अपने सारे आर्टिकल्स को रिव्यू कराते हैं, एंड द रिव्यू प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो दैट्स वाई The journal paper takes a lot of time for reviewing and thereafter for publishing. However, in conference paper, it takes less time because there is not much rigorous reviewing and then publication time is also very less. Or agar acceptance rate ki baat kare, even then you should go for a conference paper. Now the third point is, agar hum conference mein paper send karte hain aur wahan jaake paper present karte hain, to humare new links, new रेफरेंसेस एस्टैब्लिश होती है। वहां पे हम न्यू रिसर्चर्स से मिलते हैं अपने फील्ड में, अपनी कैटेगरी के, जिससे क्या होता है कि जब हम पेपर जर्नल में सेंड करते हैं, तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आप कुछ रिव्यूअर के नेम दीजिए जिनको हम आपका पेपर रिव्यू के लिए सेंड करें। तो जब आपके अच्छे लिंक्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करके, तो आप उनको एज ए रिव्यूअर आप अपॉइंट कर सकते हैं, उनका नेम मेंशन कर सकते हैं व्हाइल सबमिटिंग योर पेपर। क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, वहां से वहां जब आप पेपर अपलोड करते हैं, आपसे पूछते हैं कुछ रिव्यूअर्स के नाम दीजिए, तो आप रिव्यूअर्स के नेम सजेस्ट कर सकते हैं जो आपके न्यू फ्रेंड्स, न्यू लिंक्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे उस कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश कर। सो कॉन्फ्रेंस इज अ वेरी गुड वे टू एस्टैब्लिश न्यू लिंक्स एंड न्यू रेफरेंसेस। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट फैक्टर की। अगर हम किसी भी कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश करते हैं, कॉन्फ्रेंस कि जो आर्टिकल्स हैं वो एज ए प्रोसीडिंग पब्लिश होते हैं, तो उसका एज सच कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता। मींस अगर हम दोनों के इम्पैक्ट की बात करें कि ज्यादा इफेक्टिव कौन है, जर्नल पेपर या फिर कॉन्फ्रेंस पेपर, तो जर्नल पेपर इज मोर इफेक्टिव, मोर इम्पैक्टफुल देन कॉन्फ्रेंस पेपर। अगर आपकी जो रिसर्च है वो हाई क्वालिटी है, आप चाहते हैं कि आप उसको अच्छी जगह पे पब्लिश करें, देन यू मस्ट गो फॉर जर्नल पेपर, बिकॉज देर आर नो इम्पैक्ट फैक्टर फॉर कॉन्फ्रेंसेस, ओनली जर्नल्स हैव इम्पैक्ट फैक्टर्स। जितने मैंने अभी तक पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, उसमें लग रहा है कि कॉन्फ्रेंस में पेपर भेजना भी इजी है, एक्सेप्टेंस रेट भी ज्यादा है और पब्लिकेशन टाइम भी कम है और हमारे लिंक्स भी एस्टैब्लिश होते हैं। बट अगर हम क्रक्स की बात करें, जब हम जर्नल में पेपर सेंड करते हैं, ऑल्दो उसमें रिव्यू टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, बट जब आपकी रिसर्च बहुत हाई क्वालिटी की है, आपके रिजल्ट्स ऑथेंटिक हैं, बहुत अच्छे हैं, देन यू मस्ट सेंड योर पेपर टू ए जर्नल। ताकि उससे क्या होता है कि आपका जो प्रोफाइल है बहुत एनहेंस होता है, आपके जो पॉइंट्स हैं, एपीआई स्कोर है, वो बहुत ज्यादा एनहेंस होता है एज पर द इंटरनेशनल जर्नल स्टैंडर्ड और उसके इम्पैक्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो अगर आपकी रिसर्च बहुत हाई लेवल की है, एडवांस लेवल की है, आपने बहुत एफर्ट की है, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ऑथेंटिक है, देन यू मस्ट ऑलवेज गो फॉर ए जर्नल पेपर। जो पेपर आपके जर्नल में एक्सेप्ट नहीं हो पाते किसी ना किसी रीजन के कारण या कुछ प्रॉब्लम के कारण, आपको वही पेपर किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस में सेंड करके पब्लिश करवा लेनी चाहिए। दैट वुड बी द मोस्ट कन्वीनियंट वे। तो इसका क्रक्स ये निकला कि अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, तो आप अपना पेपर जर्नल में सेंड कीजिए, और अगर आपके
जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक ठाक हैं और या फिर वो जर्नल में एक्सेप्ट नहीं हो पाए हैं, देन सेंड दैट पेपर टू ए कॉन्फ्रेंस। एक चीज और है कि जब हम कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिशिंग के लिए भेजते हैं तो उसमें पेज लेंथ कोई इतनी ज्यादा नहीं होती, दे आर बेसिकली शॉर्ट पेपर्स, पर जर्नल पेपर्स कैन बी अ वेरी लेंथी पेपर्स। सो यू मस्ट प्रेफर जर्नल्स व्हेन योर रिसर्च इज क्वाइट एडवांस्ड एंड यू मस्ट गो फॉर कॉन्फ्रेंस व्हेन देयर इज अ शॉर्ट कम्युनिकेशन और शॉर्ट पेपर्स। वाई हो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जर्नल में पेपर कब सेंड करें और कॉन्फ्रेंस में कब सेंड करें। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको और किस टॉपिक्स पे हेल्प चाहिए या वीडियोस चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।